हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर टुडेज व्लॉग। हैप्पी मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? होप सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वैसे कल हम लोग रात में बहुत देर तक काम कर रहे थे, इसलिए उठने में लेट हो गया। तो अभी फाइनली 8 बजे मैं उठी हूँ। कपिल अभी भी थोड़ा सो रहा है, थोड़ी देर में वो भी उठ जाएगा। वैसे साउथ इंडिया में रोज़ ही बनाते हैं रंगोली, और फेस्टिवल के टाइम पर और भी बड़ी सी कलरफुल सी और उसी त्यौहार से रिलेटेड रंगोली बनाते हैं, और भी प्यारी। काशी में भी लोग गंगा में डुबकी लेकर आते हैं। फ्रेंड्स में मेरी कुछ लोग ऐसे किया, उन्होंने वो मेरे रूम में आते हैं, बोलते थोड़ा सा गंगा जल दे दो अगर हो तो, उसको पानी मिक्स करके नहा लेंगे, मेरा स्नान हो गया। क्योंकि सब लोग नहीं जा सकते इतनी दूर ठंडी में नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ठंडी होती है उसकी पानी। और घर पर हम लोग क्या करते हैं, घर पे हम लोग सुबह सुबह जल्दी से उठ जाते थे। मम्मी जो है ना, न्यूज़पेपर पे चावल और एक आलू और सिक्का मिक्स करके रखती थी, और हम लोग फटाक से नहा के आते थे। और ऐसा होता है कि कुछ तो नया कपड़ा आज के दिन पहनते हैं, तो मम्मी कुछ ना कुछ नया कपड़े लाई रहती थी हमारे लिए शॉपिंग करके। तो हम लोग सुबह उठते थे, नहा के कुछ नया नया कपड़े पहनते थे, और फिर मस्त आके चावल को अच्छे से छूते थे, फिर पैर छू के प्रणाम करके चावल को, वो जो छुआ हुआ चावल है उसको अलग रख देते थे। फिर वो सब लोग, सारे मेंबर्स ऐसे ही सबके लिए अलग अलग न्यूज़पेपर पर लगा रहता था, और सब उसको छू के, सब नहा के आते थे उसको छूते थे, फिर वो सारे चावल अलग करके एक पॉलिथिन में करके पंडित जी लोगों को दान कर दिए जाते थे। हाँ, तो चलो चलते हैं अंदर, सुबह हो चुकी है। कंबल और के वेट के काम करते हम लोग, बट अभी इतनी ठंड नहीं है, फिर भी ओढ़ ही लेते हैं थोड़ा तो अच्छा ही लगता है यार। रात में हमने सोचा था कि अपलोड पे लगा देते हैं, हो जाएगा, और अपलोड हो भी रहा था, पर अभी तक उतने पे ही अटका हुआ है। ये क्या बात हुई, अभी जाके 49% हुआ है। अभी तो पहले हम लोग कॉन्सेक्रेशन के लिए जा रहे हैं। शंख बजाना मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और शंख बजाने से ना ब्रीथिंग अस्थमा या ब्रीथिंग का भी कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक थोड़ी रिजॉल्व हो जाती है। पूरा हनुमान जी वाला मुंह बन जाता है जब आप शंख बजाते हो, अगर आप देखोगे तो। कूड़े वाले भैया भी आ गए सीटी बजाते हुए, थोड़ा सा कूड़ा तो है, देख कर आती हूँ ड्राई का दिन है या वेट का। तो चलो फाइनली हम कूड़ा फेंक के आ गए हैं, और हमने आपको काफ़ी कुछ बताया साउथ इंडियन कल्चर के बारे में, जो मैंने बैंगलोर में आने के बाद ऑब्जर्व किया है। इनफैक्ट जब मैं आश्रम में थी तो भी देखा था। तो गणेश शंख है, दक्षिणावर्ती शंख है, वमावर्ती शंख है। तो दोस्तों कपिल भी उठ चुका है, और अब हम लोग धीरे 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 क्या, अब हम लोग फुल स्पीड से रेडी होकर निकलेंगे। यस, उठ के आई थी कि कुछ एडिटिंग कर दूंगी 13 वाला, पर हो गई क्या? ये सब तो ड्राफ्ट दिखा रहा है। तो ये ड्राफ्ट अपलोडेड ही है ना? अपलोडेड ड्राफ्ट नहीं होते हैं। हो जाते हैं रेडी जोरों शोरों से। आज के हम लोग पहली बार कॉन्सेक्रेशन अटेंड करने जा रहे हैं, ऑन द स्पॉट जाके वॉलंटियरिंग करेंगे और ब्लॉग करेंगे बस। कैसी लग रही है अभी? मस्त। अब बारी है कुछ सिंक्स डालने की। इसके अंदर दिखा रहा है यहाँ से 2 घंटे लगेंगे हमको जाने में, और 3 घंटे लगेंगे हमको आने में। Oh, no! तुम हारने वाले हो भाई। Oh, Jesus! तुम हारो। Oh, इसने कर दिखा। टुरुरु, टुरुरु, टुरुरु। हाँ, कितने प्यारे लोग हैं। आवाज से ऐसा लग रहा है कार्टून का कहीं से आवाज निकाली। मुझे तो पैसों से एलर्जी लग गई। मेरा भाई मस्त साइंटिस्ट माइंडसेट का है, खूब रिसर्च वगैरह करके, तो उससे बात करके मुझे बड़ी मजा आती है। क्योंकि हम लोग वैसे हम लोग बचपन से ऐसी एटीट्यूड से थे, हम लोग जब पहला बार लैपटॉप लिया था ना हमने, तो गूगल पे, क्योंकि पहली बार लैपटॉप लिया था इतने एक्साइटेड थे, फिर हम लोगों ने मस्त डोंगल लिया, नेट लिया, और पहली बार नेट चलाना शुरू किया था, वेब सर्फिंग। तो हम लोग को जो भी मन में आता था सब सर्च करते थे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में तो क्यूरियोसिटी होती है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं सर्च करने के लिए, तो भूत होते हैं कि नहीं, इजिप्शियन की कहानी क्या है। ये बात होगी कुछ 2008-2007 की, जब नेट थोड़ा कम पॉपुलर था, या और अभी देखो कितना पॉपुलर हो गया है। तो बस 7-8 साल 10 साल के गैप में भी इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। ओ वाओ, सो मैनी पतंग कलेक्शन करके रखा है बस। हाँ, 1 2 3 ओ ये क्या लेगा बाद में, उसको रखो, पापा बनाएगा, उसको रखो पापा बनाएगा।
बहुत ठंडी है दोस्तों, तो फिर हम लोग पतंग लेके चलेंगे छत पे और थोड़ा सा उड़ा के मस्ती करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फटाक से पालक की सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तैयारी क्या, फटाक से छिल काट के बना ही लेंगे अब। ओह मुझे लगता है अपने हेयर्स को मुझे टाई अप कर देना चाहिए। तो देखो 1 किलो पालक को छिलने के बाद इतना पालक निकलता है, और ये भी जब हम लोग पकाएंगे तो गल के इतू सा हो जाता है एक कटोरी। जो भेजी थी दुहार वो जाके आसमान सी टकरा गई कि आ गई तो मुझे गाना सीखने का बहुत शौक है, तो मैंने अभी वोकल्स के लिए ऑनलाइन फ्री क्लासेस से ही ले रही थी, पर अभी रिसेंटली हमने सिंपली लर्न ऐप खरीदा है, जिसमें सिंपली सिंग, सिंपली पियानो, सिंपली गिटार तीनों ऐप एक साथ कॉम्बिनेशन में है। तो कपिल उससे पियानो सीखता है और मैं उससे वोकल। ओ नो कपिल, अभी अभी मैंने देखा नीचे झुक के, तू गैस खत्म। Oh no. अब कैसे पकाएंगे खाना हम दोस्तों? मेरा तो आटा भी तैयार है, ये देखो अभी अभी बना। पॉइंट इससे भी ज्यादा ये है कि इंडक्शन है अपने पास, पर वो सही से चलता नहीं है, पता नहीं उस पे पक पाएगा कि नहीं। पक जाएगा, ट्राई करते हैं, हो सकता है इंडक्शन पे हो जाए, पर इंडक्शन रखा कहाँ था मुझे याद नहीं, शायद पूजा वाले रूम में। हाय दोस्तों, तो मैं हूँ छोटी, इसलिए चेयर का यूज करके चढ़ चुकी हूँ और अब मैं उतारूंगी इंडक्शन। पर उससे पहले इस पार्टी को पकड़ के मुझे याद आ रहा है कि बचपन में मैंने खुद की हाइट को लंबा करने के लिए कितनी पापड़ बेले थे, पार्टे को लटकती थी ऐसे, पता है देखो, फिर खींचने की कोशिश करती थी लेकिन खींच नहीं पा रही थी, पर मेरा भाई खींच लेता था इसी के साथ, मैं वापस खड़ी होना चाहती हूँ। लेकिन अब मैं कितना भी खींच लूँ अब तो मैं लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि लड़कियाँ 20 की एज तक ही लंबी हो पाती हैं। क्या करूँ, चलो इंडक्शन पे आके चलते हैं। चुपचाप पम पम, ये तार कहाँ फंसा है। हाँ तो ये है हमारा थोड़ा पुराना इंडक्शन, साइकिल पे मत जाओ, काम अच्छा करेगा। ये तो ले लिया, लेकिन मैं सोची उसको रखूंगी कहाँ, तो थोड़ा मिक्सर हटा के जगह बनाएंगे, और मुझे लगता है इस तरफ सॉकेट है तो और कहीं रख नहीं सकते। हमारी जिंदगी कमाल हो रही है, मजा आ रही है मुझसे। और इसी के साथ टमाटर भी गल गए हैं, जैगरी पाउडर डाल देते हैं दोस्तों, अपना सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है जैगरी, जिसको डाल के खाने में आ जाता है स्वाद का मजा। तो फिर अभी कैम को निकालो, मैं भी बात करती हूँ। प्रणाम मम्मी जी, हैप्पी मकर संक्रांति। देखो मेरे को फील हो रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही। हाँ हाँ विक्की आ रहा है घर से कुछ टेस्टी टेस्टी खाने के लिए, मंगवा लो मम्मी जी से बोल के। लड्डू वगैरह और मटरी जो भेजी थी। ओ भाई, ओ हो, क्या बात है शेफाली, क्या हो गया, मम्मी जी ने क्या पंच लाइन मारी। मम्मी जी सेकंड, मम्मी जी बोलती है तुम लोग इतना वीडियोस कर रहे हो, इतने टाइम से कर रहे हो, बोले मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम मुझे एडिटिंग समझा दो बेसिक, मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए एडिटिंग यार। लिटरली मम्मी जी अभी यही बोल रही है। क्या स्पिरिट है यार, थैंक यू मम्मी जी, बट आप आशीर्वाद दो बस। हम लोग पतंग उड़ाएंगे दोस्तों खाने के बाद, मैं अपना खाना फिनिश कर लूं बस। जब भी आपको म्यूजिक बनाना है तो स्टार्टिंग में आप थोड़ी एक इंस्ट्रूमेंट दो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, फिर और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर रहे हो, फिर और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर रहे हो, फिर और इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लोगों को लगेगा अच्छा हम आगे बढ़ रहे हैं म्यूजिक में, तो उस चीज को फॉलो किया है। तो सेम ट्रैक को मैंने तीन तरीके, यार ये बीच में आ रहा है यहाँ पे, मैंने इसके अंदर ये मेरी मेन बीट थी जो मैंने सबसे पहले बनाई, फिर मैंने क्या किया इसमें से कुछ चीज़ें हटा के कॉपी कर लिया। फॉर एग्जांपल इसको देखोगे आप तो इसके अंदर मैंने ये जो नीचे वाले बीट्स थे वो सब हटा दिए, किक हटा दिया, बेस हटा दिया, स्नेयर हटा दी, सिर्फ ऊपर के इस, ये कैसी दिखती है सुनो, इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है, दो बार तक ये चलेगा फिर ये चलेगा, उसको लेवल करना पड़ता है ताकि किसी भी स्पीकर में बजे वो, यहाँ पे क्लब में, घर पे, ईयरफोन में, हेडफोन में, सब पे एक जैसा सुनाई दे, उसके लिए आपको लेवलिंग करना इम्पोर्टेंट है।
तो उसको लेवल करना पड़ता है। वो क्या होता है, अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ, है ना। तो ये करने के बाद अब आप देखोगे फ्लो देखना कैसे होगा, फर्स्ट टू बार्स कैसे जाएंगी। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। यार एटलीस्ट सब कुछ कैंसिल कर दिया, एक पतंग तो उड़ा के आते हैं मस्त छत पे यार। उड़ाएंगे तो जरूर, मे भी आज के दिन नहीं पर नेक्स्ट सैटरडे संडे जब भी। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, और अभी हम लोग पता नहीं क्या करने वाले हैं, और ये मेरे बीच में क्यों है, चल नीचे जा। मैं कॉल आउट कर रहा हूं अलग अलग दुख की दुनिया में। यहाँ रखो, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर दूंगा। सातों सुख कैसे मिले दुनिया में, मिल जाएंगे एक दिन देखना। हेलो हेलो हेलो, अब आ रहे हो क्यों करते पाड़ी शाड़ी तो जमाई उबासी लेने का गाना गाते हैं उसी में, ऐसे ही तो गाओ गाने से नहीं, क्यों करते पाड़ी शाड़ी किसी को। अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो गेन को एक मिनिमम कम से कम रखो थोड़ा। अब हम गाएंगे गाएंगे क्या सुना जाए, लिरिक्स बोलो शिपाली, लिरिक्स इसी पे हमारा राइजिंग स्टार बना देते हैं। चलो देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता, मुझे बचपन से शौक था जर्नी को रिकॉर्ड करना इज मोर इंटरेस्टिंग देन सक्सेस को एंजॉय करना। तो मैं बस वही बता रहा हूँ, हम लोग कुछ नहीं आता है बट स्टिल वी आर एंजॉयिंग इट। यही सोचता हूँ मैं हर रोज रात को, सोचता हूँ यही हर रात को, क्यों नहीं पड़े थोड़ा कॉम्प्लेक्स।